हम जाएंगे इनको, वो भी सुई के लिए। हमने हाँ करा है, कैसे करा है वो करा है। ये बढ़िया है यार, क्योंकि डिलीवरी का काम करने जा रहे हैं वो भी कार से। Hey guys, good morning, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सभी लोग? और अभी हम लोग बाहर बैठे हैं, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। अब मानसून आ गया है तो मौसम तो अच्छा हो गई, लेकिन कभी कभी धूप निकलती है, कभी कभी अच्छा मौसम होता है। जब अच्छा मौसम होता है तो अच्छा मूड भी होता है। खैर मौसम बहुत बढ़िया है, हवा हवा चल रही है। अभी हम लोग बाहर बहुत देर से बैठे थे और कुछ काम वाम कर रहे थे, अब जा रहे हैं अंदर। हमने कहा आइए यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं, अच्छे मौसम से अच्छी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मम्मी ने बनाई थी बिरयानी कल रात में, हम व्लॉग में दिखा नहीं पाए। और बिरयानी के नाम पे अक्सर हम लोगों के घर में भूख बहुत जल्दी लग जाती है। तो अभी टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 12। अभी एक भी नहीं बजा है, एक बजने में 10 मिनट बचे हुए हैं। और भूख जिसको 3 बजे लगती थी वो आज 1 बजने से पहले ही खा रहा है। वाह, खैर भूख हमें भी लग रही है बिरयानी देख के। हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने, और खाने के बाद फिर जाएंगे कोचिंग। आज मौसम बहुत अच्छा है और उम्मीद यही है कि कोचिंग जाते जाते मौसम ना खराब हो जाए। खराब होने का मतलब है धूप ना निकल जाए। देखते हैं क्या है। अभी 2 बजे है कोचिंग, नहीं 2 बजे नहीं, 3 बजे, 2 बजे उठेंगे, तैयार होंगे, 3 बजे जाएंगे और 5 बजे वापस आना है, फिर जिम जाना है, फिर देखा जाएगा। मौसम खराब होगा तो भी जाएंगे, नहीं खराब होगा तो भी जाना पड़ेगा। चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी बता रहे हैं आपको। फिलहाल कोचिंग नहीं जा रहे हैं, भी नहीं जा रहे हैं, मम्मी जा रही है साथ में। अभी हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं सुगी के ऑफिस। मम्मी मान गई है, मम्मी डुक्कर पहले से मानी हुई थी, पापा जी भी मान गए। पापा जी इसीलिए कह रहे थे क्योंकि फालतू में तुम परेशान हो जाओगे। और मेरा मानना है कि कैरियर सब कठिन ही होता है, चाहे बॉडी से काम करो या माइंड से काम करो, तो कोई चीज़ कठिन नहीं है। सुबह का टाइम मेरे लिए पूरा फ्री है, तो हम इसको वेस्ट नहीं करना चाहते। अच्छा पार्ट टाइम हम ये काम करना चाहते हैं। और मम्मी अभी चल रही है देखने के लिए, पूरा पता करने के लिए कि वहाँ पे क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है। घूमते रहते ये नहीं क्या? यही घूमते अरे घूमते क्या रहते हैं? वो दवा फोन आया, दवा ले आओ, यहाँ मिल रही थी लड़का मिल जाए दादी माँ की, हाँ एक गोली चाहिए थी, तो जाए रहते नहीं, ये नहीं कि आप खुद ले चले जाते हैं। हम जाएंगे इनको, वो भी सुई के लिए। हमने हाँ करा है, कैसे करा है वो करा है हमें मालूम। हफ्ते भर में बुखार बस उतारेंगे हम, उतर जाएगा घर में बैठ जाओ, जितने कमा लिए उतने ट्रेडिंग करो। हम ट्रेडिंग कराना चाह रहे हैं, जाओ जब तक जैसा हो। वहाँ पे और भी जॉब के लिए बात कर लेंगे अगर। अभी हम इसी से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इसी वजह जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो काम के रास्ते में मम्मी को भी दुआ मिल गई, पापा जी को भी दुआ मिल गई, और क्या दुआ मिली है वो आपने सुन ही लिया। ये बढ़िया है यार, क्योंकि डिलीवरी का काम करने जा रहे हैं वो भी कार से। हम लोग सुगी के ऑफिस आ गए हैं, करीब जहाँ पे एंट्री हो रही है। और यहाँ पे हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, ये पूरा सुगी का ऑफिस है और यहाँ पूरी ट्रेनिंग चल रही है।
चलिए अभी बाहर आ गए स्कूटी से, सामान मिल गया है, पर्ची मिल गई है, गाड़ी में खड़ी है। मम्मी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है, अभी बहुत डांट रही है। कपड़ों की वो है, गारंटी एक्स्ट्रा में क्या बोल रहे हैं भाई, हम लोग तेल तेल का खर्चा निकलना और हम तो कह ही रहे थे आप लोग फालतू खिला रहे हैं। बहुत गुस्सा हो रही है, गुस्सा घर में बैठ के भेजा ना, अलग होता है जा, जा के पता बाहर जब तुम निकलोगे तो तुम्हें लोग मिलेंगे। सही बात है भैया, आप बीकॉम थर्ड ईयर हो गया है तो बाहर तो निकलना ही है, कुछ ना कुछ तो भटकना ही है, तभी नए रास्ते मिलेंगे। मैं कहाँ तक किसी के उसमें थोड़ी घर में बैठ के तुम्हें नौकरी मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आज हो सकता है एक समय फ्रेंचाइजी ले लो, फ्रेंचाइजी ले लो, बताइए और क्या पता करेगा ना, कुछ ना कुछ तो कराना ही है। जॉब करो, पहले उसमें जॉब करो, पता चल जाएगा आराम से। फ्रेंचाइजी कराने कुछ ना कुछ तो करना ही है भैया, बिजनेस तो करना ही है। जब तक पापा जी सो के उठे उठे एक्टिव होंगे तब तुम घर आ जाएगा। सुबह के जो काम होते हैं ना, जो लोग सुबह उठते हैं उनके कभी काम पेंडिंग नहीं होते, उनके सारे काम निपटते हैं और शरीर को आराम भी बढ़िया मिलता है। जब थोड़ी ना कि धूप में भटकते फिर रहे। सही बात है, काम आपको पूरे होने चाहिए, पूरा शेड्यूल आपका मेंटेन हो जाए, पूरा टिक लग जाए सारे। सुबह का जो काम तब आपका तब आपका दिन खत्म होना चाहिए सबसे अच्छा। अगर आपका काम पेंडिंग है मतलब आपका सब सही नहीं है। कुछ करो जिंदगी में, अब करना ही है, करोगे तो पाओगे। जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। चोरी डकैती करने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि काम में कोई शर्म उसमें कहाँ शर्म आ रही है। हाथ पैरों से मेहनत, शरीर काय के लिए आया मेहनत करने के। जब कोई आदमी बढ़ता है ना उसको 10 लोग पीछे खींचने वाले भी होते हैं। तो हमारे पास इतनी ताकत है, उन 10 लोगों को भी आगे करते हैं। ताकत होनी चाहिए आपके अंदर, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, जा रहे हो तो खींचने वाले तो हमेशा खींचते ही रहेंगे। तो दुनिया का मतलब नहीं है, मगर पापा जी को तो करना पड़ेगा भाई। पापा जी को चाहिए होता रिजल्ट नहीं, पापा जी को चाहिए होता है के थोड़ी वो एकदम से वो किसी चीज को। अपने कार चलाने में जब सीखते थे तब चिल्लाते थे वो, तो फिर जब रिजल्ट आ जाए तो आप देख लो दुनिया जान तुम चली जाओ। पहले कितना चिची आते थे भैया हमने कार छुई और चिल्लाना शुरू किया। हमें देखे में भैया बैठी भैया नहीं बैठी तो कन्या गिर गया। दलिया पे तरस खाने, अरे दुकान चलिए मुझे एक चीज देनी जरा, पर्स देना। कौन सा पर्स? वो जो बैग नहीं होता। जब बाहर निकलोगे तभी तो चार तरह के काम समझ में आएंगे। सबसे मेन होता है दिमाग चलाना, और दिमाग आपका घर पे नहीं चलता, बाहर निकलने के बाद ही नहीं चलता है वो, बाहर निकलने के बाद ही चलता है वो। अरे हमारा खर्चा निकल जाएगा यार, पेट्रोल का निकल जाए। प्रॉब्लम प्रॉब्लम 1000 रुपए की प्रॉब्लम आप लोग भी दे सकते हो 1000 रुपए, मगर क्यों ले, क्या महंगा हम का वो लूले लंगड़े हैं क्या, गुड़ कमाएंगे खोले उड़ाएंगे, क्या दिक्कत है, उड़ाएंगे तो अपने फैमिली को उड़ाएंगे, रिवर्स कर देंगे डाल दीजिए। कल को पेरेंट्स हम हमारे ऊपर कर रहे थे, अब हम पेरेंट्स को पकड़ेंगे। अरे बच्चे अपने शारिफ को रखो, शारिफ को भी देखे नहीं, देखो अब हमें कुछ करना है। बड़ा भाई हमेशा इम्प्रेशन बनता है, तभी तो हमने एक्शन लिया है, क्योंकि हम मालूम है ना कि जब हम बेशर्मी ला देंगे तभी उसके अंदर दिखेगा कि हाँ मेरे बड़े भाई ने भी बेशर्मी ला दी थी, तब उस लायक बना वो। वरना घर में बच्चों को छोड़ो, लड़कों का अगर आपने ज्यादा वो करा ना, अरे मेरा लल्ला है तो ये है तो वो लल्ला लल्ला तो वह लल्ला बन जाता, लल्ला लल्ला बन जाता। चलिए अभी जा रहे हैं दुकान पे, पर्स लेना है। एक पर्स का मतलब कॉपी पेन पेन पेंसिल का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं बैग, वो लेना। हमको अपने हम जब उठाएंगे सामान हमें डर नहीं चाहिए, हम अपने हिसाब से साफ करते हैं। अब वो तो साफ कर जाते हैं,
जब वो आते हैं उससे पहले हम एक दो बार साफ कर जाते हैं, फिर जब वो आएंगे तो फिर वो साफ करेंगे, उसके बाद जब हम दुकान में उतर के घर जाते हैं वापस आते हैं फिर साफ करते हैं। अभी दिन आज जैसे हमारे करियर की शुरुआत हो गई है, बैग मिल गया है, ये देखे चारे कपड़े पर सब फैले हुए हैं, बैग मिला है, बैग के अंदर एक मिनट, ये बैग है, इसके अंदर एक टी शर्ट ये है और एक टी शर्ट ये है। सुबह की शिफ्ट हमने ली है जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, मेरी कोचिंग, मेरा जिम, मेरे ट्रेडिंग और सारी चीज़ें दोपहर के बाद ही चालू होती हैं, तो हम सुबह 7 बजे से 11 बजे तक करे आएंगे और बढ़िया एक कैरियर भी स्टार्ट हो गया और एक टाइम का यूटिलाइजेशन हो गया, सबसे बड़ी बात है। जो सुबह ये 9-9 बजे तक जो सोते हैं ना, उस 9 बजे को हमने कुछ आउटपुट पे लगा दिया, कुछ काम पे लगा दिया, इस टाइम को भी हम यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। अभी हम लोग इस बैग में एक छोटा सा जुगाड़ करेंगे, क्या जुगाड़ करेंगे वो अभी हम आपको दिखाते हैं। एक्चुअली में देखिए क्या है ना कि मोबाइल जेब में रखा है और आपको नहीं बताया कि कस्टमर का घर कहाँ पर है, तो मैप तो आपको देखना पड़ेगा, तो ये आप गाड़ी चलाओगे कि मोबाइल देखोगे। तो हम सोच रहे हैं यहाँ पे एक वो पर्स लगा लेते हैं, कैसा पर्स, ऐसा पर्स लगा लेते हैं, जिससे कि क्या होगा अगर हम इसको ऐसे यहाँ पे सेट कर देंगे और इसके अंदर मोबाइल रख सकते हैं, मोबाइल को बाहर निकाल सकते हैं, यहीं से मोबाइल को टच करके चला सकते हैं, यहीं से सारी लोकेशन देख सकते हैं। इसीलिए हम दुकान गए थे ये पर्स लेने के लिए, अब मम्मी का ही काम है उस पर सेट करना, हमने इतना दिमाग चला दिया, बाकी मम्मी करेंगी। तो आपका क्या रिएक्शन है, क्या रीज़न है, क्या आपके राय है, वो आप हमें कमेंट्स में बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।